हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकफिन के और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसके मदद से आप बॉलीवुड में जैसे ऑटो ट्यून होता है दोस्तों, मतलब जैसे भी कोई भी आवाज़ को वो बहुत ही बेहतरीन बना देते हैं ऑटो ट्यून के मदद से, उसी तरह के आवाज़ पा सकते हैं इस ऐप के थ्रू। दोस्तों, अगर आप एक सिंगर है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो बिना स्किप किए एंड तक इस वीडियो को देखते रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ऑल कीजिए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सम्यक, यू वाचिंग टेकफिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के आवाज बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन दोस्तों स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने वक्त जो आवाज निकल के आता है उस जैसा क्लीन आप नहीं सुन पाते हैं अपने आवाज में। तो दोस्तों, एक ऐप के मदद से आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा दोस्तों आपको रिजल्ट इसमें मिलेगा। तो दोस्तों, इस ऐप का नाम है बैंड लैब। आप दोस्तों प्ले स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए बैंड लैब, जैसे देखिए डिस्प्ले में दिखा रहा होगा, बैंड लैब सर्च करेंगे तो दोस्तों ये जो आ जाएगा पहले वाला, इसे ही दोस्तों डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों बहुत सारे इंटरफेस में बहुत सारी चीजें आएगा, और दोस्तों ये जो प्लस का आइकन अगर आप क्लिक करेंगे फिर से दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएगा, जिसके अंदर अगर आप वॉइस और माइक जो लिखा हुआ है वहां पे अगर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप रिकॉर्ड कर सकते हैं डायरेक्टली वहां पे। अगर आप पहले से कोई ट्रैक रिकॉर्ड करके रखे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इंपोर्ट ट्रैक है, वहां से भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसे ऐड कर लेता हूं, और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, इसी के वजह से दोस्तों आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट भी मिलता है। और जो दोस्तों बीच वाला है ऑटो पिच, तो यहाँ पे आप कौन से स्केल में गाना गाना चाहते हैं, जी मेजर, सी, सी शार्प, ए माइनर, ऐसे बहुत सारी चीज दोस्तों आपको जहाँ पे चाहे वहाँ पे सेट कर सकते हैं। और दोस्तों ऊपर जो पिच का लेवल है ऑफ मीडियम टू हैवी, कितना भी आपका पिच रहना चाहिए वो सेट कर सकते हैं। और गाना गाने के बाद या फिर वो इम्पोर्टेड ट्रैक को सेट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों इफेक्ट्स के अंदर भी बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा इफेक्ट आप डाल सकते हैं अपने ऑडियो के अंदर, बहुत सारे हैं दोस्तों, इतने सारे इफेक्ट आप डाल सकते हैं, जो कोई भी आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे बीच में एक दिया गया है, यहाँ पे एक लिरिक्स आप नोट डाउन कर सकते हैं गाना गाने के वक्त, यहीं से देख के आप गा सकते हैं। और दोस्तों सेटिंग के अंदर भी बहुत सारा, आपको टेम्पो अगर कम ज्यादा करना हो दोस्तों 120 दिया गया, आप माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। और दोस्तों मेट्रोनोम वॉल्यूम आप कम ज्यादा कर सकते हैं, बहुत सारे सेटिंग के दोस्तों ऑप्शन दिया गया है जिसके मदद से आप अपने वॉइस को बहुत ही प्रो लेवल तक लेके जा सकते हैं। और दोस्तों गाना गाने के बाद सब कुछ सेटिंग कर लेने के बाद यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। ऊपर जो दोस्तों क्लाउड के टाइप दिया गया है वहां पे अगर क्लिक करेंगे तो दोस्तों सेव और पब्लिश आएगा, तो आप सेव कर लीजिएगा, उसके बाद फिर से सेव कर लीजिएगा। और दोस्तों इसे आप अगर डाउनलोड करके अपने फोन में रखना चाहें तो दोस्तों क्या कीजिएगा, अपने जो नीचे वाला लास्ट लाइब्रेरी वाला ऑप्शन है वहां पे आ जाएगा, तो आपका सब गाना होगा जो भी आप एडिट किए हैं इस आपके मदद से। तो दोस्तों ये पहला वाला आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्राइवेट वाला सेक्शन दिया गया है उसके बाजू में ठीक ये जो आरो है वहां पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा, और दोस्तों ये आप डाउनलोड करके ऑडियो और वीडियो दोनों का ऑप्शन आ जाएगा, जो चाहे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने डिवाइस के अंदर। तो दोस्तों यही था दोस्तों बैंड लैब, इसके मदद से आपके ऑडियो को बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही अच्छा सा टच मिल जाएगा, नॉर्मली जो ऑडियो आप रिकॉर्ड किए होंगे, और दोस्तों यहाँ पे बैंड लैब में जो एडजस्टमेंट वगैरह करने के बाद जो रिकॉर्ड किए होंगे वहां पे दोस्तों आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी जो एडिटेड वाला ऑडियो है आपका बहुत ही अच्छा लगेगा, ऑटो ट्यून जैसा ही आपको मिल जाएगा दोस्तों रिस्पॉन्स। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ऑल कीजिए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं टेकफिन के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।